जन्नत नजीर वादी स्वात, जहां पर हर तरफ रंगीनी, दिलकश रानाई, बहते दरिया, गन्ने जंगलात और ऊंची ऊंची पहाड़ स्वात की खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है और सालाना लाखों की तादाद में सयाह इस हुसन को देखने के लिए स्वात का रुख करते हैं। सर्दियों के मौसम में सयाह ज़्यादातर वादी कालाम और मलमजब्बा का रुख करते हैं। आज हम आपको वादी कालाम और मलमजब्बा की सैर कराएंगे। मिंगवरा शहर से 4 घंटों की मुसाफत पर वाकिया वादी कालाम, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बर्फ़ की सफेद चादर की लपेट में है। गुज़िश्ता कई दिनों की मुसलसल बर्फबारी के बाद ज़मीन पर 3 फीट से ज़ायद बर्फ़ जम चुकी है। बर्फबारी को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह वादी कालाम में मौजूद है और बर्फ़ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। रात के वक्त सयाह खुद को गर्म रखने के लिए बोन फायर के साथ रक्स भी करते हैं। सतह समंदर से 9,800 फीट बुलंदी पर वाकिया वादी मलमजब्बा, जो अपनी कुदरती हुसन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और इस हुसन को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह वादी का रुख कर लेते हैं, जो दुनियाई खुराफात से दूर पहाड़ों की गोद में जिंदगी के हसीन लम्हात गुजार कर सदियों याद रखते हैं। वादी मलमजब्बा में सयाहों की फैसिलिटेशन के लिए बहुत कुछ है, जिसमें स्कीइंग, स्नो ट्यूबिंग, ज़िपलाइन, 5-स्टार होटल और सबसे बढ़कर जदीद तरस का चेयरलिफ्ट है, जिसमें सयाह पहाड़ के टॉप तक जाते हैं। ये तकरीबन 140 किलोमीटर तवील ज़िपलाइन है। इस पे मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस करूँगा, तो आइए मेरे साथ। लाइन के जरिए यहाँ पर पहुँच गए, हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और लोगों की दावत देते हुए यहाँ पर आए और इस जिप लाइन को एंजॉय किया। कुछ ऐसी है, मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आ जाओ और जिप लाइन पर जरूर आए। बहुत मजा आ रहा है, मतलब थोड़ी सी मुश्किल होती है जब आप शुरू करते हैं, बाद में बहुत मजा आता है जब हाइट पे होते हैं और ये सारे नज़ारे देखते हैं। कुछ ही सेकंड्स होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हर कोई ज़िपलाइन को ट्राई करे। थैंक यू।